नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है, आप सभी लोगों के बीच में लेकर के हाजिर हूँ। साथियों, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी युग मेरा चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में, और गांधी युग में हमने आपको जो जलियांवाला बाग हुआ था वो हमने बता दिया था। तहकीकात कमेटी जो बनी थी और हंटर कमेटी बनी थी, इन दोनों कमेटियों में अंतर स्पष्ट करा दिया था। दोनों कमेटियों के सदस्यों के कोई बगैर बारे में बता दिया था हमने। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन आपको बताएंगे, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ उसके पहले शुरुआत हुई खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन ही बाद में असहयोग आंदोलन के रूप में चेंज हो गया। अच्छा, इसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि है वो हम आपको बताएंगे, समझ लीजिए। पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान हिंदुओं और हिंदू और मुस्लिम में एक तरह से एकता की भावना आ गई। अच्छा, जो तुर्की देश था वो अपने मित्र देशों से हार चुका था, और तुर्की के कई हिस्सों पर फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। और चूंकि तुर्की में पहले खलीफा होते थे, जो खलीफा होते थे वो विश्व भर के मुसलमानों के नेता कहे जाते थे, तो इसका असर भारत में ही हुआ। सुनते रहिए और समझते रहिए, इसका असर भारत में भी हुआ। भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने इसके विरोध में एक खिलाफत समिति बनाई और खिलाफत आंदोलन चलाने लगे। तो खिलाफत समिति चार पांच लोगों ने मिलकर बनाई थी। कौन कौन लोगों ने, देख लीजिए। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, 1 2 3 4 5। तो इन पांच लोगों के नेतृत्व में खिलाफत समिति की स्थापना हुई। समझते रहिए, इन पांच लोगों के नेतृत्व में खिलाफत समिति की स्थापना हुई। उसके बाद में अध्यक्ष कौन रहे, बंबई के एक सेठ छोटानी। आता है प्रश्न में, वन लाइनर में पूछा जाता है कि खिलाफत जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन थे? सेठ छोटानी, ध्यान में रखिएगा। सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। 1920 में हिंदुओं और मुस्लिमों की एक समिति हुई, सम्मेलन हुआ हिंदुओं और मुस्लिमों का संयुक्त रूप से, और इस सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन के लिए, खिलाफत आंदोलन में सहयोग करने के लिए हिंदुओं का सहयोग मांगा गया। अच्छा, चूंकि ये जो खिलाफत आंदोलन था ये तुर्की के खिलाफ एक गुस्सा था, सॉरी, तुर्की के जो खलीफा थे उनके सपोर्ट में उनके मित्र देशों जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के विरोध में एक गुस्सा था। चूंकि तुर्की के कुछ ज्यादातर भागों पर, हिस्सों पर टुकड़े हो गए थे और ज्यादातर हिस्सों पर फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, तो उनके खिलाफ भारतीय मुसलमानों में ये गुस्सा था, क्योंकि तुर्की उस समय पूरे विश्व भर का नेता कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां खलीफा होते थे। तो ये जो गुस्सा था ये खिलाफत आंदोलन में बदल गया भारत में।
भारत में जो भारतीय मुसलमान थे ये विरोध में उतर आए और इन्होंने खिलाफत जो है समिति की स्थापना कर डाली इन पांच लोगों के नेतृत्व में। और क्योंकि ये मुस्लिम नेतृत्व था और मुस्लिमों के लिए ये लड़ाई थी, मुस्लिमों के हक के लिए, इसलिए जो ज़्यादातर हिंदू थे वो जो थे इसके सपोर्ट में नहीं आ रहे थे। इसीलिए हिंदू जो भी हिंदू थे इसके सपोर्ट में और जो भी मुस्लिम थे उनका एक संयुक्त सम्मेलन हुआ 1920 में। और उस सम्मेलन में हिंदुओं से सहयोग मांगा गया किसके लिए, खिलाफत आंदोलन के लिए 1920 में। आप समझ गए, आप आगे आप समझते चलिए। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अच्छा, ये मजबूत कब हुआ? गांधी जी को जब ये इन्फॉर्म हुआ, ये पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो गांधी जी चूंकि चालाक आदमी थे, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस खिलाफत आंदोलन को एक अवसर समझकर अंग्रेजों के विरोध में भी इस्तेमाल किया जाए। तो गांधी जी की वजह से इसका नाम असहयोग आंदोलन हो गया। अब अच्छा, असहयोग आंदोलन हो जाने से इसमें दो चीजें जुड़ गईं। एक तो गुस्सा था ही जो मुस्लिमों का था ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ, और दूसरी बात यह हो गई कि असहयोग में बहुत सारी चीजें आ गईं, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, जो भी विदेशी सर्व सामान थे सबका बहिष्कार होने लगा। तो यही तो असहयोग है, एक ये भी असहयोग है, और इसी में सम्मिलित हो गया खिलाफत, जो मुसलमानों का गुस्सा था फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें जब गांधी जी आ गए तो ये हो गया असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी ने अपनी जो उनका एक उपाधि ब्रिटिश सरकार से मिला था, जब ये ब्रिटेन में थे सॉरी लंदन में थे गांधी जी, तो वहां पर जो है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों की मदद की थी, तब इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, तो गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और आता है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी, तो असहयोग आंदोलन में ही त्यागी थी। कब? 1920 में। ठीक है, तो कैसरे हिंद की उपाधि त्याग कर गांधी जी इसमें ज्वाइन हो गए, सम्मिलित हो गए। ये गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग कर इसे ज्वाइन कर लिया, और जैसे ही ज्वाइन कर लिया इसका जो है असहयोग आंदोलन हो गया। और असहयोग आंदोलन जब हो गया तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सम्मिलित हो गए, क्योंकि ये देश के लिए भी था और इसी में शामिल हो गया मुसलमानों का भी। खिलाफत को तब्दील कर दिया गया, किसमें चेंज कर दिया गया, असहयोग आंदोलन में। तो 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आगे देखिए, जो असहयोग आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि है यही है, और अंत में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस देखते चलिए। सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, सितंबर 1920 में, एक एक चीज ध्यान में रखिएगा, सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वो बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन कांग्रेस कभी भी बुला सकती थी, ऐसा नियम था। तो विशेष एक अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, और ये उसमें निश्चय किया गया कि सरकार, यानी उस समय सरकार अंग्रेजी सरकार थी, सरकार जब तक स्वराज हम लोगों का निश्चित नहीं करती है, स्वराज की स्थापना जब तक निश्चित नहीं करती है, जब तक इसका निर्णय नहीं लेती है, जैसे निर्णय ले लेगी ये, जैसे सरकार जो उस समय अंग्रेजी सरकार थी, तो क्या हुआ कि 1920 के कांग्रेस के विशेष जो अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, उसमें ये निर्णय लिया गया कि स्वराज का निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। अंग्रेजी सरकार थी उस समय, अंग्रेजी सरकार को स्वराज का निर्णय लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेती है तो हम असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे और असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, कांग्रेस का एक धड़ा जो था वो शामिल नहीं था इसमें, देखते चलिए। तो यही हुआ,
सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसमें यह निश्चय किया गया, उसमें यह निश्चय किया गया कि अगर अंग्रेजी सरकार जो है यहाँ की, अगर ये स्वराज को, हमारे स्वराज को स्थापित नहीं करती है तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। तो हम असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर के असहयोग आंदोलन हम भी शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा करने के लिए कांग्रेस को किसने बाध्य किया था? गांधी जी ने, क्योंकि गांधी बहुत चतुर थे, चालाक थे, वो दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेते थे। कांग्रेस को गांधी जी ने बाध्य किया कि ऐसा ऐसा जो है वो सरकार से पारित करवाए, ये प्रस्ताव सरकार से पारित करवाए कि जब तक जो है स्वराज का हमें स्थापना अगर करके नहीं देती है अंग्रेजी सरकार तो हम क्या करेंगे कि असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर के असहयोग आंदोलन करेंगे। देखिए आगे लिखा भी है कि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन तो कलकत्ता में बुलाया गया था 1920 में, लेकिन सितंबर में बुलाया गया था, और दो ही महीने बाद जब दिसंबर आया 1920 का दिसंबर, तब जब कांग्रेस का अधिवेशन जैसे होता था वैसे जब आया, तो कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ 1920 में नागपुर में, तो उस अधिवेशन में ये साफ हो गया, ये पता चला कि हाँ गांधी जी ने ही कांग्रेस को ऐसा प्रस्ताव पास करवाने के लिए बाध्य करवाया था। ये साफ हो गया कि गांधी जी ने कांग्रेस को इन प्रस्तावों को पास कराने के लिए बाध्य किया था, ये गांधी जी की चाल थी। अच्छा, ये जो अधिवेशन था दिसंबर 1920 का नागपुर में, इस नागपुर के अधिवेशन में बहुत सारी चीजें हुई। कौन कौन सी चीजें हुई देखिए, इसी अधिवेशन में भाषा के आधार पर, इसी अधिवेशन में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हुआ, गठन का प्रस्ताव पास हुआ, प्रांतों का के गठन का प्रस्ताव पास हुआ भाषा के आधार पर। किस अधिवेशन में? 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। आगे देखिए बहुत सारी चीजें हुई इसी अधिवेशन में। कांग्रेस के द्वार 21 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए, क्योंकि उस समय चल रहा था जो है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन में कांग्रेस से जितने ज्यादा व्यक्ति जुड़ते उतने ही ज्यादा ये असहयोग आंदोलन मजबूत होता। इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया कि इसी अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रस्ताव भी पास कर दिया, और कांग्रेस के द्वार सबके लिए खोल दिए जो 21 वर्ष से ऊपर के थे, और इसलिए खोले कि ताकि पार्टी के लिए कुछ चंदा भी आ सके, ठीक है, जो चार आने पैसे भी दे सकते थे और 21 वर्ष के ऊपर थे उनके लिए भी कांग्रेस के द्वार खुल गए। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो गांधी जी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी आम लोगों के दरवाजे तक भी पहुंच गई, गांधी जी की वजह से। ये देखिए, कांग्रेस के द्वार सबके लिए 21 वर्ष से ऊपर जो थे उन सब के लिए कांग्रेस के द्वार खुल गए, और इसी अधिवेशन में चूंकि असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो अवैतनिक पदों, उपाधियों, सरकारी स्कूलों में भाग न लिया जाए, मुवक्किल और वकीलों को अंग्रेजी अदालत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सब चीजों का निर्णय हुआ इसी अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? 1920 के नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये सब सारी चीजें हुई थी। और ये भी कहा गया कि जो 1919 में जो एक्ट आया है चुनाव करवाने का, उस चुनाव में भाग कोई नहीं लेगा। बहिष्कार मतलब यही होता है, असहयोग मतलब सहयोग ना करना। तो जो उस समय सरकारी अंग्रेजी सरकार थी उसका सहयोग ना करने के लिए क्या क्या कर डाला जाए उसके विरोध में, यही सब था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन। अभी आगे चलिए, और जब विरोध किया गया सरकारी स्कूलों का, उस समय के अंग्रेजी सरकारी स्कूलों का, सरकारी अदालतों का, सरकारी अस्पतालों का, और सरकारी जो भी मुवक्किल थे, जो भी सरकारी वस्तुएं थीं, उन सब का विरोध किया गया, तो ये भी कहा गया
कि 1919 के तहत जो चुनाव करवाने का एक्ट आया है उस एक्ट में भी भाग ना लिया जाए। और जब इन सब चीजों का विरोध किया गया तो खुद से स्कूल बनाने लगे भारत में। क्या क्या बना उस टाइम? काशी विद्यापीठ बना, जामिया मिलिया बना, इसी समय बना था, इसी जो है नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसी के बाद से सब बनने लगा। जब यहाँ पर इतने सारे निर्णय हो गए तो सब बनने लगा, तो असहयोग पूरी तरह से मजबूत होने लगा। अच्छा, जब मजबूत होने लगा असहयोग आंदोलन, तो आप जानते ही अंग्रेजी सरकार दबाने में बिल्कुल कामयाब रहती थी, पहले भी रहती थी और इस आंदोलन को भी दबाने में कामयाब रही। और बची खुची जो थोड़ी बहुत कसर थी वो चोरी चोरा कांड ने पूरा कर दिया। तो आगे देखिए, आगे जब यह असहयोग आंदोलन में बहुत सारे व्यक्ति जुड़ गए, क्योंकि कांग्रेस ने 21 वर्ष के सभी व्यक्तियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, जब बहुत सारे व्यक्ति जुड़ने लगे तो कांग्रेस का ये असहयोग आंदोलन जो था भारत में ये मजबूत होने लगा, गांधी जी द्वारा जो चलाया जाने लगा था। और इस आंदोलन को चलाने के लिए एक फंड भी स्थापित किया गया। फंड का नाम क्या था? स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। अच्छा, इतना जबरदस्त इसमें पैसा आया कि मात्र 6 महीने में 1 करोड़ रुपया आ गया, मात्र 6 महीने में 1 करोड़ रुपया आ गया इसमें। अच्छा, जब 1 करोड़ रुपया आ गया, जब 1 करोड़ रुपया आ गया 6 ही महीने में, तो अंग्रेज अब चूंकि दबाने का प्रयास करने लगे, इस आंदोलन को। और जो भी मुख्य नेता मिले इनको आंदोलन करते हुए, कांग्रेस के जो भी मुख्य नेता मिले उनको बंद करते चले गए। अच्छा, बंद करने का प्रावधान भी था, रौलेट एक्ट चल रहा था उस समय, 3 साल के लिए आया हुआ था, इसलिए बंद करने का प्रावधान भी था उस समय सरकारी लोगों को, सरकारी जो है अंग्रेज जो थे अंग्रेजी सरकार को। तो ये दबाने का प्रयास करने लगे और दबाते 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 क्या हुआ कि 1921 तक जितने भी मुख्य नेता थे कांग्रेस के सबको जेल में डाल दिया। उसके पहले देखिए क्या हुआ कि इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार ने 17 नवंबर 1921 में बंबई में अपना प्रवेश किया। 17 नवंबर 1921 में ब्रिटेन के राजकुमार जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, उन्होंने बंबई में प्रवेश किया। और जब उन्होंने बंबई में अपना कदम रखा उस समय बहुत जबरदस्त हड़ताल हुआ बंबई में, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन का माहौल चल रहा था, एक बहुत भारी भीड़ जमा हो रही थी जहां भी देखो, क्योंकि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसमें जुड़ चुके थे। अंग्रेज दबाना शुरू किए थे और दबाते 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 1921 के अंत तक लगभग मेन जितने भी मुख्य नेता थे सबको बंद कर दिए थे वो। जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को भारत में प्रवेश किए बंबई में, उस समय बंबई में बहुत जबरदस्त हड़ताल हुआ, अच्छा, जब अंग्रेज दबाने लगे कांग्रेसी नेताओं को बंद करने लगे, तो कांग्रेस ने फिर क्या किया कि 1921 के अपने अहमदाबाद अधिवेशन में जो 21 वर्ष के ऊपर कांग्रेस में प्रवेश ले सकते थे उसकी उम्र को घटा दिया, कहा कि नहीं अब 18 वर्ष के जो ऊपर है वो सभी लोग कांग्रेस में प्रवेश ले सकते हैं, संख्या अपनी बढ़ाने के लिए भारतीय लोगों को। ठीक, ये 1921 के अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की जो सदस्यता थी ना 21 वर्ष की, वो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस की सदस्यता घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, तो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। अच्छा, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस की सदस्यता घटा करके 21 वर्ष की गई थी, तो वो दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन था, जिसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे निर्णय और बहुत सारी चीजें निश्चित की गई थी। तो यहां तक आप समझ गए। उसके बाद यही है कि 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1921 के अंत तक लगभग कांग्रेस के जितने भी मुख्य नेता थे सारे जेल में डाल दिए गए थे, रौलेट एक्ट के तहत चल रहा था उस समय, 19 में आया था, 19, 20, 21 चल ही रहा था 21, तो कांग्रेस के जितने मेन नेता थे, मुख्य नेता थे, वो सारे जेल में डाल दिए थे, सिर्फ गांधी जी को
छोड़ करके, गांधी जी को छोड़ करके, गांधी जी को छोड़कर सारे नेता जो मुख्य थे कांग्रेस के, जो जो है आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी गुस्सा उठे, तिलमिला उठे। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को, 1 फरवरी 1922 को भारत का जो वायस राय था उस समय, भारत का जो उसमें वायस राय था, उसको अल्टीमेटम दे दिया। क्या अल्टीमेटम दे दिया उसको? अल्टीमेटम ये दे दिया कि स्वराज को स्थापित किया जाए और हमारे नेताओं को जेल से रिहा किया जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, बारदौली में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इतना धमकी दिया गया गांधी जी के द्वारा 1 फरवरी 1922 को, जो भारत के उस समय वायस राय थे उनसे गांधी जी ने कहा कि जो हमारे नेता हैं उनको जेल से रिहा किया जाए और हमारे आंदोलन को कुचला ना जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे कि बारदौली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इतना गांधी जी ने कहा। अच्छा, गांधी जी के कहने के उपरांत ही कुछ एक ऐसी घटना हो गई कि उसने जो है, चूंकि सारे नेता जेल में जा चुके थे, सिर्फ गांधी जी अकेले बचे थे, अब गांधी जी ने अल्टीमेटम तो दे दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाएगा। उसी समय गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को किसानों का एक समूह था जिस पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी और जिसकी वजह से किसानों ने इस जो है पुलिस चौकी को फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। यही है चौरी चौरा कांड। तब जब 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए तो गांधी जी बहुत आहत हो गए, क्योंकि ये अहिंसावादी थे। इसी कारण इनको जो है ये असहयोग आंदोलन जो था ये स्थगित करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया किसकी वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से। कहा जाता है कि चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसकी वजह से, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, पुलिस चौकी को जला दिया गया था, उसकी वजह से गांधी जी आहत हो गए, बहुत दुखी हो गए, और इन्होंने असहयोग आंदोलन यहीं पर बंद कर दिया। तो इस तरह से आप असहयोग आंदोलन के पूरे पृष्ठभूमि को, एक एक पॉइंट को आपने समझा, तो इस चीज को आप भूलिएगा नहीं। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। 22 में ही तो घटना हुई थी चोरी चोरा कांड। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 के पहले पहले तक ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गांधी जी ने। तो 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन दोनों इसी में मिक्स है। खिलाफत आंदोलन से तो शुरुआत हुई, लेकिन वो चेंज हो गया असहयोग आंदोलन में, वो चला 1922 तक। तो 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा पूरी असहयोग आंदोलन की कार्यप्रणाली और मुख्य व्यक्तियों को, मुख्य निर्णय को, और कहाँ कहाँ कौन कौन से अधिवेशन में कैसे कैसे निर्णय किए गए। और गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसी की वजह से अपना ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। अब हम इसके अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि चौरी चौरा कांड जो हुआ वो 5 फरवरी 1922 को हुआ, और जो मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य क्रम है उसके, वो चीजें आपको बताएंगे। तो अब गांधी युग के बाद नंबर आता है चौरी चौरा कांड का, ठीक है साथियों। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी कांड में किसानों पर पुलिस वालों द्वारा गोली चला दी गई थी, जिससे किसान लोग गुस्से में या बबूला होकर पुलिस चौकी को जला दिए थे, जिससे 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। और इसी क्रम में 12 फरवरी 1922 को ये कांग्रेस की जो भी कार्यकारिणी उस समय जो भी क्रियाकलापें कर रही थी वो सब रोक दिया गया, और जनता को ये कहा गया कि वो जो है कुछ ऐसा काम करें, रचनात्मक कार्य करें, अभी कुछ दिन के लिए शांत हो जाएं। क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत दुखद हो गए थे, उनका दिल एकदम से
बहुत दुखी हो गया था, आहत हो गए थे इस घटना से, चौरी चौरा वाले घटना से, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो आज जो क्लास था साथियों, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आपके समझ में आया होगा, ये असहयोग आंदोलन पूरा आपको समझ में आया होगा। इसमें 4-6-10 सवाल बन जाते हैं, इसलिए आपको मैंने इसको बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि हमारे इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी किया करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।